नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम है गोल्डन सीरीज और यह आपके चौथी क्लास है। इसके पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी है और हमने अपना नंबर सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया जिसमें हमने लगभग 2 से 3 टॉपिक हमने कवर किया है और आज की इस क्लास में भी अपना हम 2 टॉपिक कवर कर लेंगे जिसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम और इसके बाद दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, जो आपके शून्यों की संख्या जो निकाला जाता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया आपके रेलवे के एग्जाम में उसी के द्वारा हम इसे कॉन्सेप्ट को इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम बारे में, इसमें हम क्वेश्चंस लेंगे और उसी के साथ उसके कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि जिससे एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से कर लोगे। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। यह आपका रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक से है, जिनको ये क्वेश्चन समझ में आएगा वह लोग इसका आंसर करेंगे और जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पहले वह सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी पर कई क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है अगर उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आप आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन को आपको देखो, पहले देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि 171 गुणे में 172 गुणे में 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जब 5 की पावर, यहाँ पर जो 5 का जो घातांक है कितना है, 501 है, इसको डिवाइड करना किससे, 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो आपका टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है या आपका जो क्वेश्चन सब पूछा जाएगा यहाँ पर अभी, ये आपका रहेगा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा, ठीक। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर दिया है यह क्या पूछा है, इसमें बोला है कि देखो कितना बोला इसमें कि 171 गुणे में 172, 171 गुणे में कितना है 172 गुणे में फिर आए कितना है 173, ठीक। और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, देखो जो आपका दिया है 171 गुणे में 172 गुणे में 173, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 17 से। और यहाँ पर आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या होगा। देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पर 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखने पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगी पहले वाले को जब हम डिवाइड करेंगे। देखो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सबका पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पर आप जिससे भाग देना उससे आप डायरेक्ट भाग दोगे एक एक नंबर में। और देखो जितनी बार भाग पूरी पूरी चल जाएगी वह तो हो गया सही, वहां पर जितना रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल जो बचेगा उसको आप उसके ऊपर लिखते जाओगे। जैसे 17 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 17 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितनी बार यहाँ पर भाग जाएगी, 10 बार, 17 दाम हो जाएगा 170, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3। रिमाइंडर क्या होता है, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे जो आपका शेष बचेगा जो इससे ज़्यादा जो रहेगा जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर कितनी बार भाग गया 10 बार, जब भाग गया तो यहाँ पर कितना आ गया 170, 170 से 1 ज़्यादा है, जब 1 ज़्यादा वही इसका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर 170 है, 170 जब हम 100 देखो 170 जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 10 बार, 170 आएगा, फिर 170 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना इसका रिमाइंडर आया, 2 आया। देखो पहला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा डिटेल किया जा रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के द्वारा डायरेक्ट उसको हम सीखते चलेंगे, ठीक, वहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर तीसरे वाला दिया 170, 170 भी जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पर जो है रिमाइंडर आया, इनके बीच में यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर सबका आपस में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 करना 6, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 6। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर, ठीक, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 6। दूसरा क्वेश्चन देखो जो यहाँ पर दिया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला कि 5 का जो घातांक वह कितना है, 5 का जो घातांक वह है 501, ठीक, और इसको हमें डिवाइड करना किससे, 126 से। और यहाँ पर क्या आएगा इसका रिमाइंडर यही हमको बताना है, इसका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा यही हमको बताना है। देखो ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन देखो यहीं पर दिया है, ठीक, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा सेम क्वेश्चन को हम इस फोन में देखेंगे। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
जो देखो यहाँ पर तो यह है 5 है और यहाँ पर हमको डिवाइड इसको किससे करना है, 126 से करना है। तो आप अगर ध्यान से इसको समझो तो यहाँ पर जो इसका पावर दिया है 501, तो अगर हम यहाँ पर 5 का 3 बार अगर इंटू कर लें, देखो 5 का अगर हम यहाँ पर 3 बार इंटू कर लें कि 5 की पावर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पंचम 25, 25 पच्चे कितना आ जाएगा, 125 हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 3 को इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब हम 5 की पावर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 पूरे का होल पावर कितना हो जाएगा, 5 से आप इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 5 का 9 5, यहाँ पर बचेगा कितना, 2 हो जाएगा 20। इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 से नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 1 9 3 बचेगा यहाँ पर कितना, 2, 3 6 कितना हो जाएगा, 18, फिर बचेगा 2, 3 7 कितना हो जाएगा, 21, कितना यहाँ पर आ गया, 167 आ गया। अब देखो इसके बटे में पूरे का कितना हो जाएगा, 126। अब जो यहाँ पर 5 की पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं कितना, 125। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह 125 कहाँ से आया। ठीक, अब देखो जब आप एक चीज ध्यान से समझो, जब आप 125 को जब आप 126 से जब आप डिवाइड करोगे, क्या यहाँ पर भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर अगर 126 होता तब तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 126 नहीं है, यहाँ पर 125 है, तो जब 26 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचेगा -1, क्योंकि 126 से 1 कम है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1। अब देखो ध्यान से जो इसका, इसको यहाँ से हटा के देखो, ब्लू वाले पेन से यहाँ पर कितना इसका रिमाइंडर आ गया, -1। अब देखो यहाँ पर अगर इसका रिमाइंडर -1 आ गया, तो अगर हम -1 का जब हम पावर लिखेंगे 167 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो 167 है यह आपका किस में है, ऑड है। जब ऑड है तो इसका मतलब इसका लास्ट में जब, क्योंकि देखो खुद से बताओ आप, 1 का अगर हम पावर 2 करें तो कितना आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा, देखो यहाँ पर 1 आएगा। अगर 1 का पावर अगर हम 10 कर दें तब भी यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यही तो होगा ना। अब इसके बजाय एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पर -1 रहे, -1 की पावर 2 हम करें और -1 की पावर यहाँ पर 3 करें, यहाँ पर पावर इवन है, यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है। देखो इसको थोड़ा अगर डिटेल में आप समझ लोगे, जो जो लोग इसको पहली बार पढ़ेंगे उनको यह अच्छे समझ में आ जाएगा, और जिनको यह पता है तो वह लोग कहेंगे ये सब एक्स्ट्रा क्यों बताया जा रहा है। तो आपको समझो यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब सेम नहीं है। ठीक, कुछ लोगों का यह कंसेप्ट पहले से क्लियर होगा, कुछ लोगों के सामने कंसेप्ट जो है पहली बार आ रहा होगा, तो उनको तो यह ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो जब इसका पावर इवन है, जब -1 की पावर यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर जब -1 गुणे में हो जाएगा -1, तो यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1। लेकिन जब यहाँ पर इसका पावर ऑड में है और यहाँ पर संख्या किस में, माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 गुणे में -1 गुणे में -1। इस माइनस का जब आपस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा आपका -1। तो इससे हम यहाँ पर यही समझ में आ गया, अगर पावर यहाँ पर देखो अगर माइनस में नंबर है, अगर उसका पावर ऑड है, तो यहाँ पर हमेशा जो आंसर आता है किस में आता है, माइनस में आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1। ठीक, -1 इसका आ गया रिमाइंडर, तो जब रिमाइंडर आता है नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जिससे हम इसको भाग देते हैं उसमें से हम इसको कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर आपका जो मेन रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव, वो रिमाइंडर हुआ आपका कितना हो जाएगा, 126 यह वाला, इसमें से माइनस करेंगे हम 1, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125 आएगा यहाँ पर इसका रिमाइंडर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो और आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताओ कि जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसको आप नोट करो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर देखेंगे। चलो देखो अब आप लोग अगला 2 क्वेश्चन। और आज इस क्लास को भी हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। देखो यहाँ पर जो आपको 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो क्या बोला है। जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 7 की पावर 6 प्लस में कितना है, 5। देखो 7 की पावर 6 प्लस में कितना है, 5, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 6 से। ठीक, और यहाँ पर क्या इससे इसमें पूछा किसका शेषफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहली बात एक चीज़ समझो आप, अब देखो यहाँ पर जो दिया 7 की पावर 6 प्लस में 5, अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे कि सबसे पहले आप 7 का गुणा करोगे 6 बार, फिर उसमें ऐड करोगे आप 5 को, फिर लिखोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे आप 6 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको आप बताओगे, तो यहाँ पर वह आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप क्या करोगे,
अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। कैसे? कि छः से आप डिवाइड करोगे पहले जो यहाँ पर सात है इसको, और यहाँ पर जो पाँच दिया है इसको भी। तो यहाँ पर देखो, जब छः से सात में भाग देंगे, इसको छोड़ो छः को, इसको ब्रेकेट लगाओ, यहाँ पर जब आप सात को डिवाइड करोगे छः से तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? एक। और वह किस में रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कितना रहेगा? प्लस एक। ठीक, आया समझ? अब इसके बाद जब हम यहाँ पर पाँच को जब हम डिवाइड करेंगे छः से, तो यहाँ पर पाँच क्या है? छः से छोटा है। और कितना कम है? एक कम है। तो पाँच को जब इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि एक कम है, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस एक। अब देखो यहाँ पर जब इसका यहाँ पर पावर एक का पावर जब छः यहाँ पर दिया है, तब कितना यहाँ पर हो जाएगा? केवल एक ही होगा, क्योंकि एक का पावर कितना भी बार हो जाए, कितना भी बार एक का हम आपस में गुणा करते हैं, हमेशा वह एक ही आता है। यहाँ पर आ जाएगा इसका रिमाइंडर कितना? प्लस एक। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस एक है, माइनस एक बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। यही आपका हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। रिमाइंडर कितना यहाँ पर आ गया? जीरो आ गया। देखो कहाँ पे गया क्वेश्चन? देखो अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से समझो, और इस क्वेश्चन देखो आप समझना ध्यान से, क्योंकि इस पर बेस्ड अभी दो तीन क्वेश्चन हम कर लेंगे, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा गया कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जैसे किसी नंबर को अगर किसी संख्या से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर मिलता है, फिर बोला जाए अगर सेम उसी नंबर को अगर हम अदर नंबर से डिवाइड करते तो वहाँ पर उसका रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे। जैसे इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो वहाँ पर शेषफल हमको क्या मिलेगा? तो आप तो देखो इसका देखो दो मेथड है, इस प्रकार से उसको हम कहते हैं हमेशा। जैसे देखो इसमें क्या बोला, किसी संख्या को अगर हम 45 से भाग देते हैं, ठीक, कोई संख्या थी जब उसको हमने 45 से भाग दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? जो इसका बेस्ट मेथड है डायरेक्ट, देखो समझो आपको ये सॉल्व करना, तो यहाँ पर रिमाइंडर इसको कितना मिल गया? रिमाइंडर इसको मिल गया 28। जब इसने किसी संख्या को 45 डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना मिल गया? 28। अब फिर बोला कि अगर उसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाए तो वहाँ पर उसको रिमाइंडर क्या मिलेगा? जब देखो जैसे यहाँ पर बोलेगा अगर उसी संख्या को 15 से डिवाइड करना है तो आप उस संख्या के बजाय किसको डिवाइड करोगे? हमेशा आप डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर रहेगा उसी को। तो इसको कितने, देखो यहाँ पर क्या बोला किससे डिवाइड करना? 15 से। क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी संख्या को 45 से डिवाइड किया जाए तो वहाँ पर उसको रिमाइंडर मिला 28, और अगर उसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाए तो वहाँ पर उसको रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो आपको क्या करना है, जो 15 से डिवाइड करना है उसी संख्या को, तो आप वहाँ पर करोगे जो उसका रिमाइंडर है डायरेक्ट उसी को डिवाइड। ठीक, रिमाइंडर को जब आप डिवाइड करोगे 15 से तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर मिलेगा? 15 का नंबर हो जाएगा 15 15, और कितना बच जाएगा? 13। तो जो यहाँ पर 13 आएगा यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो गया इसका रिमाइंडर। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पर 13 को कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसको भी एक बार फिर से देख लो आप। हम यहाँ पर क्या किया, देखो 28 को हमने भाग दिया किससे? 15 से। भाग कितनी बार गया? एक बार। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर भाग देने के बाद जो भागफल बच रहा है उसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इसका शेषफल, कि 15 का नंबर 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, 15 जब इसमें से माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। तो यही आपका आया रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसके रिमाइंडर को ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप समझना। नेक्स्ट वाला चलो आप क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी और बेस्ड, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। ठीक, कोई संख्या जो जब उसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पर उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। जब इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? देखो सबसे पहले समझो, पहले वाले का रिमाइंडर कितना मिला? पहले वाले का रिमाइंडर कितना मिला आपको? 3 मिला। जब किसी संख्या को, इसमें क्या बोला है, जब किसी संख्या, जब एक संख्या को या फिर इसे समझो किसी संख्या को इसने जब 5 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 3 मिला। फिर बोला है अगर उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसको किससे डिवाइड किया जाए? 5 से। जब बोला, जब यहाँ पर बोला अगर उसी संख्या को वर्ग किया जाए, ठीक, या फिर उसी संख्या का क्यूब किया जाए, तो वहाँ पर आप किसका वर्ग करोगे? हमेशा रिमाइंडर का। रिमाइंडर का आप यहाँ पर वर्ग कर दो और उसके बाद डिवाइड किससे बोला है फिर लास्ट में? 5 से। फिर इससे आप डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा आप लोग इसका आंसर यहाँ पर कर दो क्या होगा।
इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके क्या आएगा इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसको यहां पर सॉल्व करवाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। देखो यहां पर कोई संख्या n है, ठीक, यहां पर एक कोई संख्या है जो n है, जब उसको हम देखो, जब यहां पर आपको देखो मेन संख्या से कोई मतलब नहीं, यहां पर आपको इससे मतलब केवल रिमाइंडर से, शेषफल से। यहाँ पर जब कोई संख्या n है उसको भाग दिया जा रहा है किससे, 5 से, तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वह कितना है, 2 है। यहाँ पर जो शेषफल वह कितना बच रहा है, 2 है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, तो संख्या n स्क्वायर को, संख्या n स्क्वायर को, यहाँ पर भी क्या बोला इसने, इस संख्या का इसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हम क्या करेंगे उसके रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे, और उसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 2 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 5 है, नीचे वाली संख्या खुद इससे बड़ी है, तो यहाँ पर कितना है इससे देखो, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 4 से इसमें भाग, जब 4 में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर अगर हम -1 ले लें, 4 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -1, ठीक, -1 आ गया इसका रिमाइंडर। लेकिन जब भी आप आंसर करोगे, देखो आप रिमाइंडर को माइनस में लिख सकते हो, लेकिन जब आपको आंसर करना पड़ेगा तो वहां पर आप आंसर में से कितने करोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर में, उसको आप बदलोगे किसमें, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए आप क्या करोगे, जिससे हम भाग दे रहे थे, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर लिखने के लिए जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें से हम कर देंगे माइनस वाले को माइनस, जो माइनस रिमाइंडर आया उसको उसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4। तब भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। इसको भी आप लोग नोट करो और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, यह जो क्वेश्चन दिया है यह भी बहुत इजी है, इसका भी आंसर आप लोग बताओगे। देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि अगर किसी संख्या को जैसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमको रिमाइंडर, अगर वहां पर हमको रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो उसके बाद अगर बोले कि अगर उसी संख्या का स्क्वायर कर कर उसमें 5 को जोड़ दिया जाए, तो वहां पर फिर उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, वहां पर आप हमेशा करोगे कि जो उस संख्या का यहाँ पर बोला स्क्वायर करके उसमें कितना 8 जोड़ दिया जाए, फिर कुछ भी जोड़ दिया जाए, तो आप करोगे उसके रिमाइंडर का उतना स्क्वायर, जो उसमें बोलेगा उसका वर्ग, तो आप रिमाइंडर करोगे वर्ग, फिर उसमें जितना बोलेगा जोड़ने के लिए उस रिमाइंडर में आप क्या कर दोगे, वर्ग करने के बाद उतना जोड़ दोगे, जो आएगा उसको फिर आप डिवाइड कर दोगे किससे, जिससे भाग देने को उसमें बोलेगा। जैसे यह वाला आपका क्वेश्चन, इसको देखो इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या, देखो एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। यहाँ पर देखो जो रिमाइंडर बच रहा हुआ है कितना है, 1 है। फिर इसके बाद आगे क्या बोल दिया, और एक दूसरी संख्या है उसको जब हम, एक दूसरी संख्या जब उसको हम 7 से विभाजित कर रहे हैं, तो वहां पर हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आगे क्या बोला है कि x प्लस वाई, कि यहाँ पर उसने क्या किया, संख्या को उसने ऐड कर दिया, संख्या को ऐड करने के बाद इसने 7 से डिवाइड किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का जो रिमाइंडर है इसी को कर देंगे हम ऐड, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना कर, यहाँ पर कर रहा है क्या, इससे भाग दे रहा है लास्ट में, x प्लस में y, यानी कि दोनों जो संख्या थी पहले x y, पहले संख्या x दूसरी संख्या y थी, अगर दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए और किससे विभाजित किया जाए, 7 से, तो 7 से जब इसको हम विभाजित करेंगे इसके रिमाइंडर को जोड़ के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 बटे में 7, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। सीधे सीधे आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक, सीधे सीधे आपका यही हो जाएगा आंसर, इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे आपका जो नेक्स्ट वाला है, इसमें हम टॉपिक लेंगे। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे उसको हम सीखेंगे। यहां पर आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही सीख लो कि जब भी हमें शून्यों की संख्या निकालना होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं।
जब भी हमें शून्यों की संख्या निकालना होता तो उसको हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं उसको आप देखो। जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा ट्रेलिंग आप जीरो बताओ क्या होगा, या ट्रेलिंग जीरो की संख्या यानी कि शून्यों की संख्या इस प्रकार से लिख देना है आप, शून्यों की संख्या। देखो शून्यों की संख्या का मतलब क्या होगा कि अंत में कितने उसमें शून्य आपको मिला है उसी की संख्या अगर आपको बताना हो तो उसको कैसे वहां पर सॉल्व करोगे। देखो जब भी आपसे पूछेगा शून्यों की संख्या तो वह हमेशा किस पर डिपेंड करता है, दो और पांच पर डिपेंड करता है, दो और गुणे में पांच पर। जब दो और पांच का जब हम गुणा करते हैं आपस में तब हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। जैसे एक यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक दो हो और एक यहाँ पर पांच हो, जब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, पांच दूनी दस। तो इस दस में जो हमें यह संख्या मिला है इसमें अंत में जो शून्यों की संख्या वह कितनी यहाँ पर है, एक है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग अब जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, ट्रेलिंग जीरो बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा एक। और एक कैसे आया, यहाँ पर दो भी एक है और यहाँ पर पांच भी कितनी बार है, एक बार है। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर रहता, देखो दो अगर रहता दो बार, गुड़े में यहाँ पर पांच रहता कितनी बार, तीन बार। अगर आपका यह इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो इसमें आपका नंबर अब जीरो की संख्या कितनी है, तो यह क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, इक्वल नंबर लेंगे, नंबर की वजह छोड़ो, इक्वल पावर यहां पर लेंगे, वो भी किनका, दो और पांच का। हम यहां पर इक्वल पावर लेंगे, वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो की संख्या, वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। क्यों, क्योंकि यहां पर जब हम एक बार जब दो था और एक बार पांच था, जब इन दोनों का आपस में होगा तो एक हमें जीरो मिलेगा। तो यहां पर दो कितनी बार है, दो बार है, पांच कितनी बार है, तीन बार है। तो यहां पर इनके इक्वल जो पावर है कितना आ जाएगी, दो, दो की पावर तो यहाँ से दो हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो की पावर दो यानी कितना यहाँ पर मिलेगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या दो मिलेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद जब अगला इस पर बेस्ड हम सेम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर हम एक और वहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर कोई सीरीज के फॉर्म में नंबर दिया हो तो वहाँ पर नंबर आप जीरो कैसे निकालेंगे, कि अगर आपको केवल बताना हो कि दो कितनी बार है तो वह हम कैसे निकालेंगे, या फिर पाँच कितनी बार है तो वह हम कैसे निकालेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर इसको हम सीखेंगे, इसको आप नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं नंबर ऑफ जीरो का, कि ट्रेलिंग जीरोस। चलो देखो हमको बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या। इससे देखो हम एक यहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है पांच गुणे में दस। क्वेश्चन में क्या बोला है, पांच गुणे में दस, फिर गुणे में पंद्रह, फिर गुणे कितना दिया है बीस, गुणे डॉट डॉट करके यहाँ पर कहाँ तक किया गया है, 265 तक गया है। ठीक, और इसमें हमको बताना क्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है हमको बताना है। सबसे पहले एक चीज आपको पता चल गया, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए हमें किनकी जरूरत पड़ती है, दो और पांच की। ठीक, किसकी जरूरत पड़ती है हमको, दो और पांच, दो और पांच का जो इक्वल पावर होता है वही सेम होता है क्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो सबसे पहले देखो अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर करें कि यहाँ पर अगर हम सब में से पांच को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर हम पांच को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखें, अगर इसको देखो पांच गुणे में कितना हो जाएगा, एक, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पांच गुणे में दो, ये कितना हो जाएगा, पांच गुणे में तीन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पांच गुणे में चार, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पांच से इसको डिवाइड करो, पांच बाहर कर लो गुणे में, पांच से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो पंचम पच्चीस, बचे यहाँ पर कितना, एक, पांच तीन कितना हो जाएगा, पंद्रह, पांच गुणे में कितना आ गया, तिरपन। इसका मतलब यहाँ पर जो पाँच है इसका मल्टीप्लाई इसमें कितने बार हुआ है, ध्यान से देखो, पाँच गुणे में एक, पाँच गुणे में दो, पाँच गुणे में तीन, पाँच गुणे में चार, यह सीरीज आगे चलती जा रही है, और लास्ट में कितनी बार एक गुणा हुआ, पाँच, पाँच गुणे में तिरपन। इसका मतलब पाँच का गुणा यहाँ पर कितनी बार किया गया, तिरपन बार किया गया है। अगर इसमें से हम पाँच को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पाँच कितनी बार कॉमन होगा, तिरपन बार, क्योंकि टोटल कितनी बार है, तिरपन, तो आपको हो जाएगा पाँच की पावर तिरपन। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पर हो जाएगा एक
गुड़े में दो, गुड़े में तीन, गुड़े में चार, डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुड़े में कहाँ तक, 53 तक। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझना क्योंकि इससे हमें कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमको देखो क्या पता चल गया, यहाँ पर 5 की पावर कितनी बार है, 53 बार है, और इसमें भी 5 है और इसमें 2 भी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर मिल गया 5 कितनी बार है, 53 बार, जो स्टार्टिंग में जो पता चला है कि यहाँ पर 5 के गुणा कितने बार, 53 बार हुआ है और इसमें भी 5 है। तो देखने पर हमको पता चल रहा है जो 5 की संख्या है वह क्या है, 2 से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तो 2 तो कहाँ कहीं कहीं पर मिलेगा, लेकिन जो 5 है इसमें क्या है, ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर देखो, अब हम 2 निकालेंगे कि 1 से लेकर 53 तक की संख्याओं को जो आपस में गुणा हुआ है तो इसमें 2 कितनी बार है। अब देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, देखो इसको ध्यान से आप समझना। तो लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक, यहाँ पर निकाल रहे हैं क्या, 2 की संख्या, 2 की संख्या मतलब क्या, 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, यह हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ठीक, देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसका देखो, इसको पूरा शेषफल तक नहीं, देखो जो शेषफल यहाँ पर बचेगा उसको हम छोड़ते जाएंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतना है केवल यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, या 2 से जब इसको हम भाग देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यह आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक, फिर यहाँ पर कितना, 2 × 4 = 2, 2 × 6 = कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12। यहाँ पर 26 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम जो बचेगा उसमें फिर हम भाग देंगे किसका, 2 का। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13, 13 बार भाग जाएगा। फिर इसके बाद हम 13 में 2 का भाग देंगे, और यहाँ पर भाग हम तब तक ही देंगे कि यहाँ पर जो आपका नंबर बचेगा वह 2 से कम हो जाए। ठीक, अब देखो फिर इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार यहाँ पर भाग जाएगा, 6 बार। फिर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 से, कितना बार भाग जाएगा, 1 बार। अब देखो यहाँ पर जो आपको यह मिला है इसी को कर देंगे हम ऐड। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 कितनी बार है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर लिखो, अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 6 × 3 = 9 = 10 × 3 = 13 × 6 कितना हो जाएगा, 19। 19 का कितना हो जाएगा, 9 हासिल है कितना, 1। 1 × 1 = 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गया, 49, यानी कि 2 कितनी बार है, 49 बार। हमें यहाँ पर पता चल गया कि 1 से लेकर 53 तक की संख्या में यहाँ पर 2 कितनी बार है, ठीक, 49 बार है। और यहाँ पर 5 कितनी बार है, 5 पहले ही यहाँ पर 53 बार है, 5 की संख्या को भी आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर देखो हो गया कितना, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहाँ पर हो गया 49। ठीक, और क्या है, क्यों यहाँ पर यह 49 हो गया, आपको बताया गया था अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि यहाँ पर 5 और 2 का इक्वल जो पावर होगा, 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 49 है। और यहाँ पर जो पहला ही 5 मिला, 5 कितनी बार था, 53 बार। तो यहाँ पर 5 की संख्या है 2 से ज़्यादा, यहाँ पर 53 है और भी है, इसके बाद भी इसमें भी 5 है, लेकिन इनका जो इक्वल पावर कि 1 से लेकर 53 तक की संख्या जब आपस में इंटू किया गया तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 49 बार। तो जो यहाँ पर इनका इक्वल पावर होता है वही आपका होता है नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो है आपको पता चलेगा कितना, 49। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 49। लेकिन आप यह भी अब समझ जाओ कि अगर आपको जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 53 तक की संख्या में अगर 2 की पावर बताना था कि 2 कितनी बार है, वह तो आपने निकाल लिया कितनी बार, 49 बार। अगर 2 की बजाय अगर आपको 5 बताना हो कि 5 कितनी बार है 1 से लेकर 53 संख्या में, तो यहाँ पर 53 में आप 53 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। अब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 5 कितनी बार है, 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 53 को, जो लास्ट वाली संख्या है। सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया कि 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 5, यहाँ पर 3 में भाग नहीं जाएगा, यानी कितना बार भाग गया, 10 बार। तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10 को डिवाइड करेंगे फिर हम 5 से, कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। अब 2 है 5 से छोटा, तो अब हम इन्हीं दोनों को कर देंगे ऐड, 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना, 10 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि 5 की पावर यहाँ पर कितना हो गया, 12। ठीक, 5 यहाँ पर कितनी बार है, 12 बार है। और इन सबको जब हमने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया था, 49। ठीक, तो 49 बार क्या है, 2 है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 की संख्या बताना है कि 2 कितनी बार है, तो 2 की संख्या को हम निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि 5 की संख्या को निकालो, तब आप यहाँ पर इस प्रकार से उसको निकाल सकते हो। ठीक, यह देखो तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट, इसको डिटेल में बताया गया, बिल्कुल डिटेल यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन लेंगे उसको हम थोड़ा
फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया गया कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जिसका आंसर आप लोग बताओगे। इसको नोट कर लो। चलो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखो दिया कि एक गुणे में दो गुणे में तीन गुणे में चार, इस प्रकार से यह कहाँ तक है, गुणे में 161 गुणे में 162 गुणे में 163। ठीक, इसमें बताना आपको शून्यों की संख्या क्या है। अगर ध्यान से देखो आप, अगर एक से लेकर 163 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने पे इसको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर दो बहुत ज़्यादा बार होगा लेकिन पाँच दो की अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी मिल रहा है, दो यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक, पाँच यहाँ पर मिलेगा और जहाँ पर 10 मिलेगा, फिर पाँच पाँच के बाद केवल पाँच मिलेगा, दो आपको एक 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 नंबर छोड़ के आपको दो कई बार मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे पाँच की संख्या कितनी बार, जितनी बार पाँच होगा उतना आ जाएगा जीरो। तो हम यहाँ पर निकालेंगे पाँच कितनी बार है, पांच की संख्या लिख दो सीधे सीधे, हम सीधे सीधे करेंगे 163 को सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे पाँच से, जितना आएगा उसको लिखते जाओ। देखो पाँच तीन हो जाएगा 15, ठीक, पाँच तीन 15 बचेगा यहाँ पर, एक पाँच दूनी हो जाएगा 10। ठीक, फिर आप 32 को डिवाइड कर दो किससे, पाँच से, पाँच छः का कितना यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर इसके बाद 6 को आप डिवाइड कर दो पाँच से, कितना हो जाएगा 5 का 9 5, अब यही जितना आया इसको ऐड कर दो, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना आपका हो जाएगा 6 1 7 7 2 9, यानी कितना हो गया 39, 39 आपका हो जाएगा यही नंबर ऑफ जीरो की संख्या, क्योंकि यहाँ पर जो पाँच है कितनी बार है, 39 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो कितना दिया है, इसमें बोला है 5 की पावर 217 गुणे में 2 की पावर 129 गुणे में 6 की पावर कितना दिया है यहाँ पर, 10। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, देखो कैसे थोड़ा सा यहाँ पर देखो और बता दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो अगर इसको हम तोड़ दें, यहाँ पर 2 गुणे में 3 में यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10। ठीक, 2 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर 10, फिर यहाँ पर लगाओ गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 129 और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 217। अब आप यहाँ पर बता दो जो 2 और 5 का इक्वल पावर होगा वही यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या, एन ओ एफ का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप लोग कर देना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है और यही आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, देखो फैक्टोरियल यहाँ पर दिया है। पहला देखो क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया 475 फैक्टोरियल। ठीक, 75 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या, किसका मतलब क्या है, अंत में जो शून्यों की संख्या मिली उसको बताओ आप। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले आप समझो, फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर लिखा जाए जैसे 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका इंटू करेंगे जो यहाँ पर 2 दिया है, 2 से हम स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 1 तक, 2 गुणे में 1। अगर यहाँ पर लिखा रहे 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणे में 2 गुणे में हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर दिया रहे 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 से स्टार्ट करेंगे, लिखे जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। अगर यहाँ पर दिया रहे जैसे 5 फैक्टोरियल, तो यह हो जाएगा 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, फैक्टोरियल यहाँ पर जितना दिया रहेगा उतने नंबर से स्टार्ट करना शुरू करेंगे हम, उसका मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। सेम इसी प्रकार से इसको भी जब हम करेंगे तो यह 1 से लेके इंटू हुआ कितने तक, 475 बार। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 5 की संख्या निकालोगे, क्योंकि 1 से लेके जब 75 तक के, 1 से लेके इंटू किया गया कब तक, 75 तक। तो यहाँ पर देखो जो 5 की संख्या या 2 की अपेक्षा कम होगा, तो यहाँ पर सीधे निकालेंगे 5 की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखो आप 475
इसको भाग दे दो 105 से, कितना हो जाएगा देखो, 5 9 हो जाएगा 45, बचेगा यहाँ पर कितना 5 2 हो जाएगा 7, यानी बचेगा कितना यहाँ पर 2, 25 हो जाएगा, पंचम कितना हो जाएगा 25, 95 बटे में कर दो आप 5, फिर कितना हो जाएगा, जब तक ये 5 से कम ना है तब तक भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा देखो 5 9 5, बचेगा यहाँ पर 9, 5 9 कितना हो जाएगा 45, 19 बटे में हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, फिर कितना हो जाएगा 5 3 15, इन्हीं सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 5 14 14 3 कितना यहाँ पर 17 1 7 ऐसे लगेगा 1 9 1 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 5 पर कितना आ गया 117, तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर 117 यानी ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। देखो लास्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको, यहाँ पर क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन कहाँ गया यहाँ, इस क्वेश्चन ने बोला कि 15245, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है 15245 फैक्टोरियल लगाया है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल का मतलब पता चल गया आपको, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था सेम इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना क्या कि अनुगामी शून्यों की संख्या की ट्रेलिंग जीरोस कितना है इसमें, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो सेम इसी प्रकार से आप इसमें निकाल लो 5 कितनी बार है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला उसको निकाल के आप ऐड कर दो, जितना आएगा इतनी बार क्या होगा 5 होगा, तो सेम इसका भी आंसर आप लोग कर दो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में और इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक, इसको भी आप लोग आंसर कर दो। और इसके बाद देखो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो क्लास नोट्स की PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल जिनको क्लास नोट्स की PDF चाहिए, ठीक, PNG नोट्स जिसको कहते हैं, वह लोग गौरव कुमार मैथ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ जाएंगे। इस चैनल का लोगो आपको वहां पर दिख जाएगा, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर इस क्लास नोट्स की PNG जो रहेगी उसको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी को किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी जरूर कमेंट करना, अगले जो क्लास होगी उसमें आपके जो डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जय हिंद।